टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में। मैपिंग चार प्रकार के होते हैं। तो पहला मैपिंग हम सीखेंगे वन वन एंड इन टू मैपिंग। तो इसमें हम दो सेट लेंगे, सेट ए एंड सेट बी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि फंक्शन एफ एक रूल है जो सेट ए और सेट बी को कनेक्ट करता है, और ये मान लेते हैं कि एक्स वन डालने पे हमें वाई वन आउटपुट मिलता है, एक्स टू डालने पे हमें वाई टू आउटपुट मिलता है, और एक्स थ्री इनपुट डालने से हमें वाई थ्री आउटपुट मिलता है, वाई फोर किसी भी एक्स के लिए नहीं मिलता है, वाई फोर यहाँ पर छूट गया है। सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं और सेट बी को कोडोमेन बोलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक्स के लिए हमें एक ही वाई मिल रहा है, ठीक है, कोई भी दो एक्स के लिए एक पर्टिकुलर वाई रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक वन टू वन फंक्शन है। और यहाँ पर जो हमारा रेंज है वो होगा वाई वन वाई टू वाई थ्री, वाई फोर रेंज में नहीं आएगा क्योंकि वाई फोर किसी भी एलिमेंट से मैप्ड नहीं है, और को डोमेन हमारा है वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है। तो अगर रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो फंक्शन है इन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन भी है और ये फंक्शन इन टू भी है, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन टू वन एंड इन टू मैपिंग। तो अगर फंक्शन वन वन भी है और साथ में इन टू भी है तो ये वन वन एंड इन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैपिंग है वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। तो वन वन एंड ऑन टू मैपिंग में भी हम दो सेट लेंगे, और हम मान लेते हैं कि एफ एक फंक्शन है जो सेट ए और सेट बी को कनेक्ट कर रहा है। अज्यूम कर लेते हैं एक्स वन डालने पे वाई वन मिल रहा है, एक्स टू डालने पे वाई टू मिल रहा है, और एक्स थ्री डालने पे वाई थ्री मिल रहा है। तो यहाँ पर एक एक्स के लिए एक ही वाई मिल रहा है, इसलिए ये वन टू वन है, वन टू वन फंक्शन है। और यहाँ पर रेंज है वाई वन वाई टू वाई थ्री, क्योंकि सारे वाई किसी न किसी एक्स से मिल रहे हैं, और को डोमेन वाई वन वाई टू वाई थ्री सेट बी है। तो यहाँ पर रेंज को डोमेन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है। तो अगर रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है तो वो ऑन टू फंक्शन होता है, और अगर रेंज को डोमेन के बराबर नहीं होता है तो वो इन टू फंक्शन होता है। यहाँ पर दोनों इक्वल है तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वन वन एंड ऑन टू मैपिंग है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैपिंग है मैनी वन एंड इन टू मैपिंग। तो वो फंक्शन जो मैनी वन भी हो और इन टू भी हो तो वो मैनी वन इन टू मैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि x1 से y1 मिल रहा है, और x2 से भी y1 मिल रहा है, और x3 से y2 मिल रहा है, y3 किसी भी x से हमें नहीं मिल रहा है, y3 मैप्ड नहीं है। तो यहाँ पर x1 से भी y1 मिल रहा है, x2 से भी y1 मिल रहा है, मतलब किसी दो x से हमें एक ही y मिल रहा है, मतलब many x giving one value of y, इसलिए many to one फंक्शन है, क्योंकि many x giving one value of y, many to one। अब यहाँ पर रेंज क्या होगा y1 और y2, क्योंकि y3 तो रेंज में होगा ही नहीं क्योंकि y3 मिल ही नहीं रहा है किसी भी x के लिए। तो रेंज y1 और y2 होंगे, और को डोमेन y1 y2 y3 सेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रेंज को डोमेन के बराबर नहीं होगा। तो अगर रेंज को डोमेन के बराबर नहीं होता है तो वो फंक्शन इन टू फंक्शन कहलाता है। ये मैनी टू वन फंक्शन भी है और इन टू फंक्शन भी है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं मैनी वन एंड इन टू मैपिंग। तो ये मैनी वन और इन टू दोनों एक साथ। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ मैपिंग है मैनी वन एंड ऑन टू मैपिंग। यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स वन डालने पे हमें वाई वन मिल रहा है, ये भी अज्यूम करते हैं कि एक्स टू से भी वाई वन मिल रहा है, और एक्स थ्री से हमें वाई टू मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्स वन से भी वाई वन मिल रहा है, एक्स टू से भी वाई वन मिल रहा है, मैनी एक्स गिविंग वन वैल्यू ऑफ वाई, इसलिए ये मैनी टू वन फंक्शन है। और यहाँ पर रेंज है वाई वन वाई टू, और को डोमेन भी वाई वन वाई टू है। तो यहाँ पर रेंज और को डोमेन सेम है ना। तो अगर रेंज को डोमेन के बराबर होता है तो फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो ये मैनी वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। एक चीज़ और याद रखिए आप कि अगर फंक्शन वन वन फंक्शन है तो इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और अगर फंक्शन वन वन एंड वन टू एक साथ है तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अगर वन वन और ऑन टू साथ में है तो उसको हम
बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, दोनों को कंबाइन करके हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिए। नाउ अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन है जो आर से आर मैप्ड है और फंक्शन एफ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसका हमें मैपिंग ड्रॉ करना है। तो अगर एफ एक फंक्शन है आर से आर मैप्ड है, इसका मतलब है ये एक डोमेन है, डोमेन पूरा रियल वैल्यूज है, ये सेट ए बोलते हैं हम डोमेन को, और आर को हम कोडोमेन बोलते हैं जिसको हम सेट बी से डिनोट करते थे पहले। तो हमें सेट ए पता है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर, और सेट बी पता है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर। तो कॉस एक्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है एक्स वाई प्लेन पे। तो मैपिंग ड्रॉ करने के लिए पहले पता कर लेते हैं कि ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। तो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को मैनी टाइम्स कट कर रहा है। और अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को मैनी टाइम्स कट करता है तो वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, वो इसलिए कि मैनी एक्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैनी एक्स गिविंग सेम वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, इसलिए मैनी वन हो जाएगा। अब हम रेंज पता कर लेते हैं कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स हमेशा माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है। तो हमें रेंज मिल गया कॉस एक्स का माइनस वन से वन, कोडोमेन हमें दिया हुआ है, कोडोमेन पूरे रियल वैल्यूज हैं, यहाँ पर आर दिया हुआ है, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारा कोडोमेन है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन मैनी वन है, ये फंक्शन इनटू है, हेंस द फंक्शन इज मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो हमें इसका मैपिंग पता चल गया कि ये मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फंक्शन है जो इस सेट को इस सेट से मैप कर रहा है। इस सेट को हम डोमेन बोलते हैं और इस सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। तो एक फंक्शन डोमेन को कोडोमेन से मैप करता है और वो फंक्शन कॉस एक्स दिया हुआ है। तो कॉस एक्स केवल डोमेन में ही डिफाइंड होगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन को हम डोमेन के बाहर ड्रॉ कर नहीं सकते, क्योंकि डोमेन के बाहर वो डिफाइंड नहीं होता है। तो कॉस एक्स को हम इस डोमेन में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कॉस एक्स का कर्व है जीरो से पाई बाय टू के बीच में, ये जीरो है, ये पाई बाय टू है। कॉस एक्स लाई करता है माइनस वन से वन के बीच में, लेकिन इस डोमेन में ये जीरो से वन के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये चेक करने के लिए कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, हेंस इट इज वन वन फंक्शन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया, अगर वो कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो मतलब एक एक्स एक ही वाई दे रहा है, तो वो वन वन फंक्शन है। वैसे अगर कॉस एक्स का हम डोमेन ऑल रियल वैल्यूज लें तो वो मैनी वन होता है, क्योंकि अगर इसको हम कंप्लीट ड्रॉ करें पूरे रियल वैल्यूज में तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कई जगह पे कट करेगा, तो वो मैनी वन होता है। लेकिन जीरो से पाई बाय टू के बीच में अगर हम डोमेन लें तो वहाँ पर वो वन वन ही होगा। यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है तो वो वन वन ही होता है। और यहाँ पर हमें रेंज भी पता चल गया जीरो से वन के बीच में है, तो रेंज हमें पता चल गया जीरो से वन के बीच में। और हमें कोडोमेन दिया हुआ है माइनस वन से वन, तो यहाँ पर रेंज कोडोमेन के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज वन वन एंड इनटू फंक्शन। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो आर से आर मैप्ड है और वो फंक्शन ये है। तो यहाँ पर डोमेन आर दिया हुआ है और कोडोमेन भी आर दिया हुआ है। तो पहले हम पता करेंगे कि ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और एफ डैस ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैस ऑफ एक्स इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके मिलेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें मिल जाएगा थ्री, और ये पॉजिटिव है। तो हमें एफ डैस ऑफ एक्स पॉजिटिव मिल गया। और अगर एफ डैस ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा ही वन वन होते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि फंक्शन वन वन फंक्शन है, और ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री ऑड है, इसलिए रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री आर हो जाएगा। ये हमने डोमेन और रेंज के वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री ऑड है, यहाँ पर एक्स का डिग्री वन है, तो जो ऑड डिग्री वाला पॉलिनोमियल है उसका रेंज आर हो जाता है। तो हमें यहाँ पर रेंज भी मिल गया। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, 3x plus 5 एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन पे। ये फंक्शन है y इक्वल टू 3x plus 5। तो जब x को 0 डालेंगे तो हमें y वैल्यू 5 मिलेगी,
एक्स जीरो डालने पे वाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, फाइव। एंड एट वाई इक्वल टू ज़ीरो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू हमें माइनस फाइव बाय थ्री मिलेगी। और एक्स को जीरो डालने से हमें वाई की वैल्यू मिलेगी माइनस फाइव बाय थ्री। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करेगा, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल गया वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाई में फैला हुआ है, तो इसकी y की वैल्यूज जो होंगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी, इसलिए इसका रेंज r हो ही जाएगा। इसलिए आप इतना याद रखिए कि अगर कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री ऑड है तो आप डायरेक्टली उसका रेंज r लिख सकते हैं। तो हमें रेंज मिल गया और कोडोमेन हमें पता है, वो भी हमें r ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए इन दोनों से हमें मिल जाएगा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन हो जाता है ऑन टू फंक्शन। हेंस एफ ऑफ एक्स इज वन वन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो सेट ए और सेट बी को मैप कर रहा है। तो सेट ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। सेट ए दिया हुआ है आर माइनस थ्री ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट थ्री, और बी दिया हुआ है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन। तो सेट ए हमारा डोमेन हो जाएगा और सेट बी हमारा कोडोमेन हो जाएगा, क्योंकि एक फंक्शन डोमेन को कोडोमेन से मैप करता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे, हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री। तो इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेते हैं, तो हमें x मिल जाएगा थ्री वाई माइनस टू वाई वाई माइनस वन। तो यहाँ से अगर x को डिफाइन होना है तो हमें y को वन नहीं लेना होगा। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए y माइनस वन कांट बी ज़ीरो। ठीक है, इसलिए y कांट बी वन। ठीक है, तो अगर x को डिफाइंड होना है तो y वन नहीं हो सकता, इसलिए रेंज से हमें y इक्वल टू वन को हटाना पड़ेगा। तो हमें रेंज मिल गया। ठीक है, नाउ टू चेक वन वन और मैनी वन, हम क्या करेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि f ऑफ x एक मैनी वन फंक्शन है। यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि फंक्शन मैनी वन है, और अगर ये अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो जाता है तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। और अगर हमने मान लिया है कि ये मैनी वन है, इसका मतलब है मैनी एक्स विल गिव सेम वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि एक्स वन भी वाई वन देगा और एक्स टू भी वाई वन देगा, क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है। और हमने ये भी माना है कि एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है, मतलब दो डिफरेंट एक्स के लिए हमें सेम वाई मिल रहा है। तो अगर हमने ये अज्यूम कर लिया, इसका मतलब है फंक्शन में अगर हम x1 डालेंगे और फंक्शन में अगर हम x2 डालेंगे तो दोनों में सेम वैल्यूज ऑफ y मिलेंगी, और वो y y1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन में x1 और x2 डाल देते हैं तो हमें मिलेगा x1 माइनस टू डिवाइड बाई x1 माइनस थ्री इज इक्वल टू x2 माइनस टू बाय x2 माइनस थ्री। यहाँ पर हमने फंक्शन में x1 और x2 डाल दिया, और x1 और x2 डालने पे हमें सेम y की वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये हमने अज्यूम किया है। जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ से सिक्स सिक्स से कट जाएगा, एक्स वन एक्स टू इस एक्स वन एक्स टू से कट जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स वन हो जाएगा माइनस एक्स वन, और यहाँ से थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स टू हो जाएगा एक्स टू, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक्स वन एंड एक्स टू आर सेम, और हमने एजम्पशन में क्या लिया था कि दो डिफरेंट एक्स के लिए हमें सेम वैल्यू ऑफ वाई मिल रहा है, इसलिए मैनी वन है। हमने ये अज्यूम किया था कि ये मैनी वन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर कि अजम्पशन सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है कि एक्स वन और एक्स टू तो सेम है, मतलब डिफरेंट एक्स टू के लिए हमें सेम वाई मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जो दो हमने एक्स वन और एक्स टू सेलेक्ट किया था वो दोनों सेम ही है, और दोनों में हमें सेम वाई की वैल्यू मिल रही है वाई वन। यहाँ पर हमने x1 और x2 को डिफरेंट मान के सॉल्व किया कि डिफरेंट x के लिए हमें सेम वैल्यू ऑफ y मिल रहा है, इसलिए ये मैनी वन है। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया था, लेकिन वो दोनों x सेम निकल आए। हमने मैनी वन लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया लेकिन दोनों x सेम निकल आए, इसका मतलब दोनों x ओवरलैप कर रहे हैं, और अगर दोनों x सेम हैं तो दोनों तो एक ही हो गए, और एक x के लिए एक y मिलना मतलब ये तो वन वन है, मैनी वन है ही नहीं, हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो अगर दोनों x ओवरलैप कर रहे हैं मतलब ये दोनों एक ही हैं, और एक ही x के लिए एक ही y मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है एंड
फंक्शन इज वन वन एंड नॉट मैनी वन, हैंस हमें आंसर मिल गया कि फंक्शन वन वन और ऑन टू है। वन वन ऑन टू को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अजम्पशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अजम्पशन लिया था कि ये फंक्शन मैनी वन है, और जब हमने इसको सॉल्व किया मैनी वन लेके तो एक्स वन एक्स टू सेम आ गया, वहाँ से पता चला कि हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है। और अगर हमारा अजम्पशन मैनी वन वाला रॉन्ग है तो वो वन वन हो जाएगा, इसलिए हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो चुका है।